Daily Bulletin is presented by KBN University, United Hospital and by Acharya Pugh College of Science and Commerce. शुरुआत करते हैं कोविड 19 के केस से। 7 नए पॉजिटिव केसेस 7 रजिस्टर हुए हैं और 13 डिस्चार्ज या क्योर्ड केसेस। टोटल एक्टिव केसेस हैं 67। कोई भी डेथ शामिल नहीं है आज की इस बुलेटिन में। उसके बाद बात करते हैं बड़ी खबर जो चल रही है फिलहाल गुलबर्गा शहर के अंदर, वो है कॉर्पोरेशन इलेक्शंस तो हो चुके हैं लेकिन मेयर किसका बनेगा इस पर काफ़ी बड़ा सवाल चल रहा है। चलते हुए जैसे आप विजुअल्स देख रहे हैं कि JDS की एंटायर टीम ऑफ कॉर्पोरेटर्स और सीनियर लीडर नासिर हुसैन उस्ताद बैंगलोर पहुंचे और उन्होंने मुलाकात की HD देवेगौड़ा जी के साथ साथ और कुमार स्वामी जी के साथ। नासिर हुसैन उस्ताद ने साथ ही साथ फेसबुक पर ये मैसेज भी डाला है कि वो ना कांग्रेस को अब सपोर्ट करेंगे ना ही वो सपोर्ट करेंगे BJP। उन्होंने एक मैसेज भी छोड़ा है फेसबुक पर जहाँ पर वो कह रहे हैं कि JDS विल नॉट गो विद आइदर कांग्रेस और BJP, हाउएवर इफ एनीवन वांट्स टू सपोर्ट अस दे आर वेलकम। यानी कि अब JDS कहीं नहीं जाएगी, जो भी हैं वो JDS तक आएंगे, यानी कि किंग मेकर की बात नासिर उस्ताद करते नजर आ रहे हैं। अब देखना ये होगा कि कांग्रेस हाथ बढ़ाकर आगे JDS का हाथ थामेगी या फिर BJP से मामला चलेगा। फिर भी इस पर काफी सारे विवाद भी चल रहे हैं कि किस तरह से ये मामला चलेगा। अरे यार मातरते ಈಗ ಬಾಲ್ ನಾವು ಯಾರಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ ಯಾರು ನಮ್ಮ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಕಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ತಾವು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ದವರಿಗೆ ಮತ್ತೆ BJP ದವರಿಗೆ ತಂತೆ ಏನು ಬೇಡಿಕೆ ನಿಮಗೆ? ಅಲಿಂ ಪಟೇಲ್ ಅವರು, ವಿಶಾಲ್ ನವರಂಗ್ ಅವರು, ಸಾಜಿತ್ ಕಲ್ಯಾಣಿ ಅವರು, ನಮ್ಮ ಕೃಷ್ಣಾರೆಡ್ಡಿ ಅವರು ತಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಅವರು 4 ಜನರ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದ ಎಲ್ಲ ವರಿಷ್ಠರ ನಿರ್ಣಯ ಏನು ಇವತ್ತು, ಯಾಕಂದರೆ ನಾವು ಯಾರಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡೋದ್ರೊಳಗೆ ಇದು ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಈಗ ಒಂದು ಏನು ಅಲಯನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಈ ಅಲಯನ್ಸು 5 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಅವಧಿ ಪೂರ್ಣ ನಡೀಬೇಕು ಮತ್ತು ಗುಲ್ಬರ್ಗದ 2 ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳ ನಡುವೆ ಆಗಬೇಕು ಮತ್ತು ಈ ಅಲಯನ್ಸಿಗೆ ಪ್ರಥಮವಾದಂಥ ಮೇಯರ್ ಸ್ಥಾನ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಕೊಡಬೇಕಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಾವು ಇವತ್ತು ನಿರ್ಣಯಕ್ಕೆ ಬಂದು ನಮ್ಮ ನಾಯಕರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕುಮಾರಣ್ಣನವರಿಗೆ ಮತ್ತು ದೇವೇಗೌಡರನ್ನು ಉತ್ತರಿಸಿದ್ದೀವಿ. ಅಂದರೆ ಈಗ ನಿಮಗೆ ಮೇಯರ್ ಸ್ಥಾನ ಬಂದಿರೋದು 4 ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಮೇಯರ್ ಸ್ಥಾನ ಕೇಳೋದಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಇದು ಅವರಿಬ್ಬರಿಗೂ ಸ್ಥಾನ ಇಲ್ಲ. ಗುಲ್ಬರ್ಗ ಇದು ಕೇವಲ ಇಲ್ಲ, ಗುಲ್ಬರ್ಗ್ನಲ್ಲಿ ಇದು ಇತಿಹಾಸ ಇದೆ. ಬಹಳಷ್ಟು ಕಡೆ ನಾವು ಗುಲ್ಬರ್ಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಮೇಯರನಾಗಿದ್ದರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ದವರು ಮತ್ತು ಮುಸ್ಲಿಂ ಲೀಗ್. असल में बात जो वार्ड नंबर 27 के कांग्रेस कैंडिडेट ने आज बड़ा स्टेटमेंट देते हुए कहा कि उनके साथ काफ़ी बड़ी साजिश रची गई है और उसके अलावा जो वहाँ पर जो कैंडिडेट्स अलग अलग कैंडिडेट्स हैं उन्होंने कंबाइन अप करके एक टीम अप बनाकर कांग्रेस की सीट यहाँ से हारी जाए, इस तरह का ये मामला हुआ। आई थिंक इस पर असलम बाजे का क्या कहना है? सामने मालूम हो गया कि जो है ना मेरे खिलाफ जो है ना उन्होंने जो है ना दूसरे किसी पार्टी का साथ देकर जो है ना मुझे हराने की कोशिश की, साजिश रची है। एक टेबल पर बैठकर आप देखे होंगे, आप भी जो है ना आपके चैनल के माध्यम से आप, मैं बोल रहा हूँ आपको, कहीं भी एक टेबल पर अगर कोई कैंडिडेट बैठे हैं तो मेरे को बताइए आप। आम आदमी पार्टी, MIM और जो है ना ये शेख बाबा जो है ना बैठकर एक मंच से जो है ना ये लोग मेरे को हराने की पूरी साजिश किए हैं। अगर उनको दम रहता तो खुद इलेक्शन लड़ रहे थे, साबिखा में कारपेटर थे वार्ड नंबर 21 के, खुद लड़ सकते थे, लेकिन 83 वोट पे आके जो है ना सिमट गए उन्होंने। इससे ही जाहिर होता है कि इन्होंने जो है ना साजिश रची है और साजिश रचने के बाद आपको तो मालूम ही है कि साजिश जो है ना बड़ी ख़तरनाक होती है। उस साजिश के तहत जो है ना उन्होंने मेरे खिलाफ काम किया, 3 पार्टियों ने मिलकर काम किया मेरे खिलाफ, आम आदमी पार्टी, MIM का कैंडिडेट और ये शेख बाबा, ये मिलकर काम करें और पब्लिक ने उनकी औकात बता दी, 83 वोट लेकर जो है ना बैठ गए। लेकिन ये हार नहीं है, मुझे लोगों ने जो है ना 1360 वोट दिया है, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। वो लिटरेसी डे था आज यहाँ पर, सेल्फ रिलायंट विजन एजुकेशन चैरिटेबल ट्रस्ट के काफ़ी अहम काम यहाँ पर किया गया। जनाब मोहम्मद आसिम साहब के बारे में बात करें जिन्होंने इस लिटरेसी डे पर कई सारे बच्चों को उन्होंने बुक्स डिस्ट्रीब्यूट किए। वो लिटरेसी डे चल रहा है और गुलबर्गा शहर के अंदर जो कि एजुकेशन हब है, लेकिन आसिम साहब हमेशा से पॉजिटिव और काफ़ी एजुकेशन का काम करते आए हैं, सोशल वर्क में हमेशा रहते हैं और लिटरेसी डे को उन्होंने मनाया जहाँ पर उन्होंने बहुत सारे बच्चों को बुक्स डिस्ट्रीब्यूट किए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू, मैं मोहम्मद आसिम सेल्फ रिलायंट विजन ट्रस्ट की जानिब से आज लिटरेसी डे, इंटरनेशनल लिटरेसी डे के मौके पे हम लोगों ने जब गमगम कॉलोनी में जो स्टूडेंट्स हैं
फर्स्ट स्टैंडर्ड, सेकंड स्टैंडर्ड, थर्ड स्टैंडर्ड, फोर्थ, फिफ्थ को हम लोगों ने स्टेशनरीज और बुक्स तकसीम किया इस मौके पे, जो डिज़र्विंग स्टूडेंट्स थे उन लोगों के लिए। और ये बस एक छोटा सा हमारी तरफ से ये गिफ्ट था बच्चों के लिए, ये ऑस्पिशियस डे के दिन। तो मैं तमाम लोगों से भी गुजारिश करता हूँ कि ऐसे मौके पे एजुकेशन सेक्टर में काम करें और बढ़ चढ़ के लोगों को जो भी ज़रूरियात की चीज़ें हैं एजुकेशन फील्ड में रिलेटेड, वो लोग ये करें, इसमें ताउन करते रहें। ये गुजारिश थी मेरी। एक और बात चली थी जहाँ पर अर्थ क्वेक या एक भूकंप का झटका महसूस हुआ एमएस के मिल एरिया के अंदर, वार्ड नंबर 40 के अंदर। इस तरह की खबरें व्हाट्सएप पे काफ़ी आ रही थी, और अगर आप देखें volcanodescribe.com पर तो वहाँ पर भी एक मार्क डाला गया है कि अनकन्फर्म्ड क्वेक और सिस्मिक लाइक इवेंट। यानी बात ऐसा होता है कि अर्थ क्वेक भी होता है, या बास वक्त कोई रॉकेट्स या फिर कोई प्लेन एयरसोनिक वेव अगर कुछ जाती है तो उस तरह का वाइब्रेशन भी होता है, लेकिन अभी कंफर्म नहीं है कि वो अर्थ क्वेक है, लेकिन बहुत सारे लोगों ने कहा कि उन्हें कुछ वाइब्रेशन महसूस हुए। gohaz.in को सपोर्ट करें एंड लेट्स गो फार। फार यानी फास्ट, एक्यूरेट, रिलायबल। जी हाँ, आप बन सकते हैं हमारे मेंबर। डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक है, उसे क्लिक करने के बाद आपको हमारे मेंबरशिप फॉर्म आएगी, जो फिलअप करने के बाद आप बन सकते हैं हमारे मेंबर। सो प्लीज डू सपोर्ट gohaz.in एंड लेट्स गो फार। आखिर में हम आपसे अपील करते हैं, अगर आपके एरिया में आसपास कोई इशू है या आप कुछ चीज़ लोगों तक पहुंचाना चाह रहे हैं या बताना चाह रहे हैं या एडमिनिस्ट्रेशन का कोई लैब्स है जो आप दिखाना चाह रहे हैं, तो आप हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर कॉल करें या मैसेज करें 9113542278। हम ज़रूर उसे एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुँचाएंगे और नेसेसरी डिपार्टमेंट तक पहुँचाएंगे और आपकी चीज़ को आगे ले जाएंगे। डेली बुलेटिन इज प्रेजेंटेड बाय KVN यूनिवर्सिटी, यूनाइटेड हॉस्पिटल एंड बाय आचार्य प्यू कॉलेज ऑफ साइंस एंड कॉमर्स। उम्मीद करते हैं आपको हमारा डेली बुलेटिन पसंद आ रहा होगा। पसंद आए तो लाइक और शेयर करना ना भूलें और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करें ताकि आपको मिले हर अपडेट वेरी क्विकली। इंस्टाग्राम पे भी हमें फॉलो करें और ट्विटर पे भी हमें फॉलो करें, gohaz networks पे।